नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज हम आ गए हैं गिरगांव चौहाटी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग आज एंजॉय करने के लिए गिरगांव चौहाटी पहुँचे हुए हैं। और यहां पर आप देखेंगे समुद्र की लहरों को जो कि किनारों से टकरा रही हैं और काफ़ी ठंडी हवा यहां पर लग रही है। चूँकि काफ़ी धूप है फिर भी यहाँ पर खड़े होने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं गिरगांव चौहाटी और आपको बताएंगे कि आप किस तरह यहाँ पर पहुँच सकते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, कवर करते हैं गिरगांव चौहाटी को। चरनी रोड रेलवे स्टेशन गिरगांव चौहाटी से लगा हुआ लोकल ट्रेन का स्टेशन है। अगर आप चरनी रोड से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको केवल 700 मीटर तक का ही वॉक करना होगा और आप पहुंच जाएंगे गिरगांव चौहाटी। साथ ही अगर गिरगांव चौहाटी के नज़दीक के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो यहां से आप हैंगिंग गार्डन घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर के आसपास वॉक करना होगा। अगर आप मुकेश अंबानी के एंटीलिया हाउस को देखना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग आपको 2 किलोमीटर का वॉक करना होगा और आप पहुँच जाएंगे मुकेश अंबानी के एंटीलिया हाउस में। साथ ही अगर यहां से और भी नियरेस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो मरीन ड्राइव इससे बिल्कुल लगा हुआ है, जिसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। आप मरीन ड्राइव भी जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये काफ़ी प्राइम लोकेशन पर स्थित है। अगर आप थोड़े से और दूर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो यहाँ से आप लगभग 1.5 किलोमीटर का वॉक करके पहुँच सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है होटल ताज, तो अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं तो आप होटल ताज भी घूम सकते हैं। अगर आप एलिफेंटा केव्स घूमना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया से ही आपको एलिफेंटा केव्स के लिए बोट मिल जाएगी। वो आपसे लेंगे 260 रुपये और आपको पहुंचा देंगे एलिफेंटा केव्स। अगर एलिफेंटा केव्स के लिए बोट के टाइमिंग की बात करेंगे तो बोट सुबह 9 बजे चलनी शुरू होती है और दोपहर के 3 बजे तक चलती है। गिरगांव चौहाटी में इन पेड़ों के नीचे एक बहुत छोटा सा फूड मार्केट है जहां आपको मुंबई की सभी फेमस डिशेस मिल जाएंगी। आप इस फूड मार्केट में ज़रूर जाएं, यहां जाकर आपको सच में काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। अगर यहां आने के परफेक्ट टाइम की बात करेंगे तो आप 4 बजे यहां आ सकते हैं और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ रहिए। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि शाम जैसे जैसे होने शुरू होती है यहाँ पर भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे रात होती है भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। यही इस प्लेस की खासियत है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड प्लेस है।